पूरे देश में शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको भावुक करने के साथ साथ प्रेरणा देने वाली भी है। ये खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से। यहाँ एक रेलवे के रिटायर कर्मचारी ने रमन सर कोचिंग सेंटर खोलकर छोटे छोटे मासूम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए 2014 से कोचिंग सेंटर खोल रखा है। इसके पीछे एक दर्द भरी घटना है। 2013 में उत्तराखंड में आई जल प्रलय में केदारनाथ में उनका इकलौता बेटा रमन, बहू और दो पोतियां आज तक वापस नहीं आई, जिन्हें तलाशने के बाद राज नारायण थक गए और अपना सब कुछ समाप्त होते देख आत्महत्या करने वाले ही थे कि उन्हें अपने बेटे और नन्ही नन्ही पोतियों की तस्वीर उनकी आंखों के सामने आ गई। बस फिर क्या था, अपने वंश को खोने वाले इस पढ़े लिखे रेलवे कर्मचारी ने छोटी छोटी बच्चियों में अपनी पोतियों की परछाई देखकर हताशा के बाद एक नया अध्याय शुरू करते हुए बच्चों के लिए अपने ही घर में निःशुल्क शिक्षा देना शुरू कर दी, जो 2014 से अभी तक जारी है। जो छोटे छोटे बच्चों को एक प्रोफेसर की तरह बुजुर्ग राज नारायण दीक्षित बाकायदा कोचिंग क्लास लगाते हुए नजर आ रही हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स के राम गंगा विहार में रहने वाले रेलवे से रिटायर्ड गार्ड राज नारायण दीक्षित हैं। इस बुजुर्ग की दर्द भरी कहानी है और वो दर्द अपने सीने में दबाए हुए मासूम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। राज नारायण अपनी आप बीती बताते हुए कई बार इतना भावुक हो गए, उनको सतवाना देते हुए पानी पिलाया गया। राज नारायण अपना बेटा रमन, बहू और पोतियां सलोनी और आभा को खोकर छटपटा गए हैं और असहाय देख आत्महत्या की सोचने लगे। लेकिन राज नारायण को अपना पढ़ा लिखा बेटा रमन याद आ गया, जो मुरादाबाद के एक प्रतिष्ठित स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। बस फिर क्या था, अपना दर्द भूलकर बुजुर्ग राज नारायण ने अपने बेटे और पोतियों को कोचिंग में आने वाली बच्चियों को अपनी पोती और बच्चे मानकर 2014 से निःशुल्क शिक्षा देनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, राज नारायण की कोचिंग में जो भी बच्चे शिक्षा के लिए आते थे सभी खुशी खुशी पढ़ते हैं। राज नारायण का भी कहना है कि इन बच्चों में अपना परिवार दिखता है और छोटी छोटी बच्चियों में मेरी पोतियां दिखाई देती हैं। जो पेंशन आती है, दो अध्यापक को भी रख लिया है। राज नारायण 2014 से अब तक सैकड़ों बच्चों को पढ़ा चुके हैं और अपनी क्लास में टॉप आने वाले बच्चों को अपनी पेंशन से स्कॉलरशिप भी देते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। सर, सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे मन में आया कि जो निःशुल्क जो बच्चे हैं पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, गरीब परिवारों से उनके लिए किस तरह का स्कूल शुरू किया जाए, कोचिंग क्लासेस शुरू की जाए और उनको स्कॉलरशिप दी जाए, कि कैसे आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरे साथ सन 2013 में एक बहुत ही दुखद घटना मेरे साथ घटी, जो कि भारतवर्ष के लिए सभी के लिए एक दुखद घटना थी। 16 जून को केदारनाथ में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, जिसमें जल प्रलय हो गई और तमाम बाढ़ आई थी। उस दौरान मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी दोनों पोतियां केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर गए हुए थे। जिस टाइम वहाँ ये घटना घटी, उस टाइम वो वहीं पर मौजूद थे और 15 तारीख की रात तक हमारी उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन 16 तारीख को अचानक वहाँ पर जो है जल प्रलय हो गई और उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। समाचार माध्यम से हमें बाद में पता चला कि वहाँ ऐसी ऐसी त्रासदी हो गई है। हम काफ़ी दिनों तक उनका इंतज़ार करते रहे और भाग दौड़ करते रहे, ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए, तमाम लोगों के पास गए, अप्रोचेस की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो हम थक हार कर घर बैठ गए और चारों ओर से निराश हो चुके थे, समझ नहीं आता था कि क्या करें। अंत में हमने ये सोचा कि अब हमारा जीवन भी बेकार है और हमें भी दुनिया छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर मन में आया कि आत्महत्या जो है वो कायरता है और ऐसा कदम उठाना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारा बेटा जो था वो प्रोफेशन से टीचर था और यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल में वो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का टीचर था, पढ़ाता था। तो मेरे मन में ये विचार आया कि अब जो होना था वो हो गया, लेकिन यदि हम उसको
उसकी यादों को ताज़ा रखना चाहते हैं, उसको सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हम क्यों ना गरीब बच्चों को अपने घर बुलाकर उन्हें शिक्षा दें। ये बात ध्यान में आई और हमने अपने घर में कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक का एक कोचिंग सेंटर जो है जनवरी 2014 से शुरू कर दिया। काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ गरीब बच्चे आते थे पढ़ने के लिए और हमने उन्हें पढ़ाया। अपनी हेल्प के लिए हमने दो दो तीन तीन टीचर भी रखे और उन्हें हम अपनी पेंशन में से तनख्वाह जो हमें पेंशन मिलती थी, क्योंकि मैं रेलवे में सर्विस करता था और 2010 में मैं रिटायर भी हो चुका हूँ, पेंशन मुझे मिलती है, उस पेंशन से मैं उन टीचर्स को तनख्वाह देता था। उसके बाद बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने एक स्कीम मेरे मन में आई कि जो बच्चे अपने क्लास में टॉप करें और 60-70% नंबर्स लाएं तो उन्हें कुछ मैं एक प्रोत्साहन राशि दूं ताकि दूसरे बच्चों को भी उससे शिक्षा मिले और उनमें एक भावना पैदा हो कि हमें भी अगली बार जो है फर्स्ट आना है। तो इसलिए मैंने ये सोच करके हर क्लास के एक बच्चे को जो है स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया और फिर लगातार कई सालों तक जो है मैं स्कॉलरशिप देता रहा। उसके बाद मैंने अब 9th और 10th की कोचिंग भी जो है इसी वर्ष से शुरू करी है, क्योंकि पहले घर में मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक ही पढ़ा पाता था क्योंकि स्थान की अभाव था। लेकिन अब मैंने एक दूसरी बिल्डिंग और यहाँ बनाई है जिसमें मैं एक चैरिटेबल फिजियोथेरेपी और हेल्थ एंड एज केयर सेंटर खोला हुआ है नीचे, और ऊपर जो मेरे पास स्पेस है उसमें मैं 9th और 10th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश इन सब चीज़ों की 9th और 10th क्लास के बच्चों को भी निःशुल्क कोचिंग दे रहा हूँ। कितने बच्चों को अब तक आपने शिक्षा? मेरे पास से तो सैकड़ों बच्चे पढ़कर चले गए हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो 40-40, 50-50 बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए आया करते थे। अब भी जो है मेरे यहाँ 30-40 बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, करीब 15 बच्चे जो है इसमें 9th और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, बाकी करीब 20-25 बच्चे जो है वो 1st टू 8th क्लास के हैं जो दूसरे जगह घर पर जो मैंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है वहाँ पर वो शिक्षा ले रहे हैं। सर एक बड़ा दुखद हादसा था जिसने कि पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था, ये कहीं हिम्मत छोड़ दी थी जो आप खुद ही बता रहे हैं जी, लेकिन आपने उसको ही जीने का सहारा बना लिया। जी हाँ जी हाँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुश्किलों से पीछा छुड़वा लेते हैं या फिर हार कर घर बैठ जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग आपकी तरह हैं कि जो कि जी ये जी ये घटना केवल मेरे लिए ही नहीं हुई है, ये तो मुरादाबाद से 21 आदमी लापता हुए जिनका आज तक कुछ पता नहीं है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं हैं। इस तरीके से शायद ही हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर होगा जहां से लोगों का इस हादसे में जो है मौतें नहीं हुई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब मेरा परिवार नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मैं दूसरे के बच्चों को अपनाऊँ और जो चीज़ मैं अपने बच्चों के लिए चाहता था, उन्हें अच्छा खिलाना, उन्हें अच्छा पिलाना, उन्हें अच्छा पहनाना या उन्हें अच्छी शिक्षा देना, तो मैं दूसरे के बच्चों को लिए कुछ करूं ताकि उनसे जो है मुझे खुशी मिलती है। जो बच्चे मेरे छोटे छोटे पढ़ने आते हैं तोतली आवाज़ में बोलते हैं तो मुझको अपनी पोती नज़र आती है उनमें कि हाँ मेरी भी पोती इस समय इतनी बड़ी होती और ये जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, वाकई में ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। सर कुछ बच्चे सर जो बच्चे हैं जिस परिवेश के बच्चे हैं होता है माँ या जीव परिवार से या गरीब परिवारों के निर्धन परिवारों से जी, एक्चुअल में जहाँ मैं रहता हूँ ये बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी है यहाँ पर, और इसके पास में ही लगे हुए कुछ गांव हैं और एक हरतला कस्बा सा है, तो जिनके पास पैसा है वो तो आज भी अपने बच्चों को 1000-2000 रुपए की ट्यूशन फीस देकर पढ़ा सकते हैं,
लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी कुल आमदनी ही जो है 5,000-7,000 रुपए से ज़्यादा नहीं है, वो 5,000-7,000 रुपए कमाने के बाद या 10,000 रुपए कमाने के बाद भी समझे उन बच्चों को स्कूल में भी भेजना है, उनके खाने का भी खर्चा है और उनके कपड़े भी हैं, उनकी हारी बीमारी भी है। ऐसे गरीब परिवार के बच्चे ना तो स्कूल में ठीक से पढ़ पाते हैं और ना ही वो कहीं पर कोचिंग ले सकते हैं, तो वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। पिछड़ा हुआ ही ज़्यादा पिछड़ता है, जो ऑलरेडी सर्वाइव कर चुका है वो तो डेवलप करता ही चला जाता है, सर्वाइव करता चला जाता है, लेकिन जो निर्धन परिवार है, जो पहले से ही ऑलरेडी पिछड़ा हुआ है, जिसे हम लोग पिछड़ी जाति या पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो वो हर चीज़ में पिछड़े रहते हैं, बेचारे पढ़ाई में भी पिछड़े रह जाते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है जिसको मैं लेकर चला हूँ कि इस पिछड़े परिवार में से, इन पिछड़े लोगों में से मैं कुछ बच्चों को पढ़ा करके किसी ऐसे स्थान पर पहुँचाऊँ ताकि ये जो है हमेशा मुझे याद रखेंगे, समझे कि नहीं, और इनका जो है जीवन जो है सुधर जाएगा। बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं जी, प्रतिभाएं कहीं भी होती है, प्रतिभाएं तो गरीबी अमीरी से प्रतिभा का कोई नहीं, नहीं प्रतिभा का कोई मूल्यांकन नहीं, प्रतिभाशाली बच्चा का बहुत आगे बढ़ता है और उसे किसी तरह की मदद की आवश्यकता होती है, आप निश्चित रूप से उनके साथ रहेंगे जी। तो क्या आप पूरा आश्वासन उनको दिया है कि भाई मैं आपके साथ हूँ, आप बढ़िए? हाँ बिल्कुल, मैंने जो स्कीम लाया था कि इनको जो है प्रोत्साहन के रूप में मैं जो है वजीफा दूँ, इन्हें स्कॉलरशिप दूँ, तो उसी तरीके से मैंने ये कह रखा है कि जो मेरा बच्चा हाई स्कूल में 80-90% नंबर लाता है, इंटरमीडिएट भी उसी तरीके से 80-90% नंबर से करता है, फिर आगे चल करके अगर कहीं पर उसे इंजीनियरिंग के एडमिशन में कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से उसको इंजीनियरिंग कराऊँगा। बुजुर्ग राज नारायण की क्लास में आने वाली छात्रा प्राची ने कहा कि उसके पापा मिस्त्री हैं और वो टीचर बनना चाहती है। प्राची ने बताया कि वो कक्षा एक से ही यहाँ आ रही है, 6th क्लास में पढ़ती हूँ, मैंने यहाँ पर टेंस सीखे हैं और मैथ भी सीखी है, मैं 5 साल से आ रही हूँ, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, सर फीस कुछ नहीं लेते हैं, यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है जब अच्छे नंबर आते हैं। अच्छा प्राची ये बताइए कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं और कब से यहाँ पे आ रही हैं? मैं कक्षा एक से आ रही हूँ, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ, 6th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे सारे टेंस सीखे हैं और मैथ भी सीखी है। बेटा कितने साल से आ रहे हो यहाँ पर आप? मैं 5 साल से आ रही हूँ। कैसा लगता है यहाँ पर आपको आना? यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे मैं सब कुछ सीखती हूँ। सर कुछ फीस वगैरह लेते हैं या फिर निःशुल्क सिखाते हैं आप लोगों को? सर फीस वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, ऐसे सिखाते हैं। क्या आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है? हाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है जब अच्छे नंबर आते हैं। अच्छा बताइए जो आपके आसपास के तमाम बच्चे हैं उनको भी आप लाती हैं, कहती हैं कि सर के यहाँ चलिए पढ़िए, आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? हाँ लाते हैं। क्या कहती हैं आप उनसे? कहते हैं वहाँ पर अच्छा पढ़ाया जाता है, वहाँ पे सही पढ़ाया जाता है, वहीं पे चलते हैं। आते हैं लोग, बच्चे आते हैं? हाँ आते हैं। आगे क्या बनना चाहती हैं आप? टीचर। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मिस्त्री हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। स्कूल जाती हो? स्कूल जाते हैं। बुजुर्ग राज नारायण की क्लास में बैठा एक छात्र भी बोल उठा, मैं अंग्रेजी में कमजोर था, ट्रांसलेशन मुझसे नहीं होती थी, अब आ गई है, मैथ भी कर लेता हूँ, त्रिकोणमित भी कर लेता हूँ, स्कॉलरशिप मिल गई है, मेरे 83% आए हैं, हमारे सर स्कॉलरशिप देते हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं, ये मारते नहीं हैं, ध्यान पढ़ाई पर देते हैं, और कोई बच्चा परेशान करता है तो आराम से समझाते हैं, फिर टीचर भी लगा रखे हैं। ये नाम क्या है आपका? सरित। अच्छा ये बताओ कि कब से यहाँ पे आ रहे हो, पढ़ाई करते हो और कैसा यहाँ आके लगता है आपको? मैं यहाँ पे 4th क्लास से आ रहा हूँ और मैं जब से पढ़ रहा हूँ मुझे अच्छा खासा लग रहा है, और मैं इंग्लिश में बहुत लो था, पढ़ने में थोड़ा बहुत सही हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, पढ़ाई भी मन करता है पढ़ने का, और ट्रांसलेशन मुझसे बिल्कुल नहीं आती थी, अब मुझे सब ट्रांसलेशन आती है, सभी ट्रांसलेशन सीख चुका हूँ, और गणित में भी बिल्कुल बेकार था, अब मैं गणित भी थोड़ी कर लेता हूँ, अच्छी खासी कर लेता हूँ, टिक्नोमेट्री कर लेता हूँ, मेंसुरेशन सभी प्रकार के चैप्टर ज़्यादातर मैं कर लेता हूँ। अच्छा और क्या स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ से दी जाती? स्कॉलरशिप मेरे को अब तक 4-5 बार मिल चुकी है और 83% नंबर आए हैं 9th क्लास में, नहीं 8th क्लास में आए हैं।
एट्थ क्लास में 83% नंबर आए हैं और सर हमारे हमको स्कॉलरशिप देते हैं और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सर किस तरीके से आप लोगों का ध्यान रखते हैं? सर हमारे अच्छा खासा ध्यान रखते हैं और प्रेजेंट भी लगाते हैं, सब करते हैं, अच्छा खासा ध्यान देते हैं, ये मारते नहीं हैं, बिल्कुल प्यार से पढ़ाते हैं। कोई बच्चा परेशान भी करता है तो बिल्कुल आराम से समझाते हैं और पढ़ाते भी हैं और भैया भी पढ़ाते हैं, फिर टीचर भी लगा रखे हैं उनको, वो पढ़ाते हैं हमें। उत्तराखंड में आए 2013 जल प्रलय के हादसे में अपने इकलौते बेटे का परिवार खोने के बाद रेलवे में गार्ड के पद से रिटायर्ड राजनारायण हर बच्चे बच्चियों में अपना बेटा बहू और दो पोतियां देखते हैं और सुबह से शाम तक इन्हीं बच्चों को भविष्य के लिए शिक्षा देने में लगी हुए हैं ताकि ये मासूम उन्हें रोज जिंदगी जीने की वजह बताते हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।